और इसके साथ ही जो ये नए पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने का इंतजार है वो खत्म होगा। जी देवेंद्र, अभी आपको बता रहे थे कि अब जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे उसके बाद पहले आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष उनका स्वागत करेंगे, अंदर लेकर के जाएंगे, एक स्वागत भाषण जो है वो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी वो उनके लिए देंगे, और उसके बाद उपराष्ट्रपति का एक भाषण जो है वो वहां पर एक संदेश जो है वो पढ़कर वहां पर सुनाया जाएगा। तो आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति दोनों प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को रिसीव करके अंदर ले जाया जाएगा, और अंदर से आपने तस्वीरों में देखा सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनमें मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद भी हैं, कई मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और इसके अलावा बड़ी संख्या में फॉरेन डेलीगेट्स उनको हमने देखा। बिल्कुल सौरभ, तकरीबन 100 की उनकी संख्या है जो कि राजदूत हों या फिर उच्चायुक्त हों, उन सबको आमंत्रित किया गया है, लगभग संख्या वो 100 की होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वो 33 हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो टॉप ऑफिशियल हैं या कैबिनेट सेक्रेटरीट के हैं, नीति आयोग के हैं, चुनाव आयुक्त हैं, तीनों चुनाव आयुक्त, CVC, CIC, इन सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, और 30 श्रमजीवी भी सौरभ हैं जो कि इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं, उनको ऊपर गैलरी में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पर बाकी दूसरे सेक्शन जैसे मीडिया के लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को वहां बुलाया जाए। और जब कार्यक्रम की सौरभ हम लोग बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के संदेश के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का स्पीच का समय मुकर्रर किया गया था, और क्योंकि वो अब नहीं है तो उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट और क्वाइन जारी करेंगे, और उसके बाद पीएम मोदी का फिर संबोधन होगा सबसे आखिर में, और फिर एक धन्यवाद प्रस्ताव महासचिव द्वारा। जी तो प्रधानमंत्री देखिए पहुंच गए हैं संसद भवन, नई संसद के बाहर उनका स्वागत किया जा रहा है बिल्कुल दरवाजे पर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी उनको लेकर के अंदर जा रहे हैं। आज सुबह भी प्रधानमंत्री जब हवन हुआ उसके बाद सिंगोल को स्थापित करने के लिए इसी लोकसभा के कक्ष में गए थे, लेकिन अब जो कार्यक्रम हो रहा है ये औपचारिक कार्यक्रम है, आधिकारिक कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं, फॉर्मल इनॉग्रल जो कार्यक्रम है वो अब इस वक्त हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र वही दरवाजा जिसके बारे में आप बता रहे थे, बिल्कुल उसी दरवाजे से, बिल्कुल वही गज द्वार से, गज द्वार, जी हाँ बिल्कुल। और इसमें इस बिल्डिंग में सौरभ आप बताते भी चलें जहां जहां से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तो मुख्य गेट से ठीक सामने का इलाका है जो कि हाउस में सीधे वो घुस रहे हैं अभी, लेकिन इसी बिल्डिंग में एक पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर के लिए आरक्षित किया गया है जी। अभी जो मौजूदा पुरानी बिल्डिंग है वो प्रधानमंत्री का जहां दफ्तर है सौरभ, उसमें कई बार देखें तो कोई संवेदनशील बैठकें होती हैं, कोविंद से मिलते हुए देवेगौड़ा प्रधानमंत्री, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मैं महासचिव लोकसभा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। भारत की संसद के इस नवनिर्मित भवन का देश की जन सामान्य को अर्पित करने का यह पावन उत्सव राष्ट्रगान से प्रारंभ होगा। इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें।
आज आज हम सभी भारतीय तथा हमारे मित्र देशों के प्रतिनिधि इतिहास निर्माण के साक्षी हैं। स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अस्मिता का प्रतीक यह नवनिर्मित संसद भवन प्रत्येक देशवासी के लिए मंदिर समान है। इस लोकशाही के मंदिर में सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को। माननीय श्री हरिवंश जी, संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री एच डी देवगौड़ा जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूतगण, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण, राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय संसद सदस्यगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय अध्यक्षगण, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी, टाटा समूह के चेयरपर्सन श्री एन चंद्रशेखरन जी, प्रेस और मीडिया के सम्मानित साथियों, उपस्थित गणमान्य अतिथिजन, देवियों और सज्जनों, भारतीय लोकतंत्र के श्रद्धा स्थल भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण समारोह में आप सभी गणमान्य अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आजाद भारत की अस्मिता और हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है, अविस्मरणीय क्षण है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। आज हम सब ऐतिहासिक अवसर पर इस भवन के प्रांगण में एकत्रित हैं। हमारे जैसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के लिए यह गर्व का क्षण है। सम्मानित अतिथिगण, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की एफिशिएंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न
एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। इन कक्षों में प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिटली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रणाली एवं इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया डिस्प्ले की सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें। देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव। अगले 25 वर्षों में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब इस अमृत काल में निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस भवन में बैठकर हमारी संसद देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अनेक कालजयी निर्णय लेगी, और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्षों में विश्व के लोकतांत्रिक देशों में शिखर पर होगा और समस्त विश्व को प्रभावी नेतृत्व देगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पधारे सभी सम्मानी अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।